22 तारीख के दिन थाना रंजीत नगर के इलाके से एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण सूचना आई कि एक छोटी 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। सूचना मिलने के बाद लोकल पुलिस ने तुरंत उसकी फर्स्ट एड और का इंतजाम किया, उसको अस्पताल पहुंचाया गया। बच्ची अभी स्वस्थ है। क्योंकि बच्ची उस व्यक्ति को जानती नहीं थी तो इस केस में वो हमारे ज़्यादा क्लूज नहीं दे पाई। केस क्योंकि एक सीरियस नेचर का क्राइम था तो उसी पुलिस स्टेशन के अलावा और भी पुलिस स्टेशन से पुलिस कर्मियों को और ऑफिसर्स को जोड़कर और AATS के स्टाफ और स्पेशल स्टाफ को जोड़कर 7 से 8 टीम्स बनाई गई और एरिया को बांटकर अलग अलग क्षेत्रों में काम किया गया। इसमें हमने पिछले 36 घंटे के अंदर सैकड़ों CCTV फुटेज जो उस इलाके के और आसपास के इलाकों के हैं वो खंगाल डाले। सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड जितने भी लिंक्स हमारे पास निकलते थे हमने सबको टेस्ट किया और उसके थ्रू हमें पता चला उस फुटेज में कि वो लड़का इस इलाके में कहीं बाहर से आया था और कुछ घंटे यहाँ बिताकर यहाँ से चला गया। जो फुटेज हमें मिली उससे हमने उसकी एक साफ तस्वीर निकाली और वो फोटोग्राफ को सब जगह सर्कुलेट किया गया। अपनी टीम्स ने इसमें दिन रात एक करके बहुत प्रयास करके कठिन परिश्रम के बाद उसको 36 घंटे के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया और उसको ढूंढ लिया। लेकिन इस बीच उसको भी ये खबर लग गई कि पुलिस उसके पीछे है और वो बस में बैठ के यहाँ से दिल्ली से बाहर भाग गया। टीम्स ने उसका पीछा किया और पिछली रात को उसको कलानौर के इलाके से जो कि रोहतक जिले में हरियाणा में पड़ता है वहाँ से अरेस्ट किया गया है और इस तरह इस केस का समाधान किया। इसका अपराधी का नाम है सूरज और ये रघुवीर नगर दिल्ली का रहने वाला है। इसकी उम्र 20 साल है। ये कपड़ों की फेरी लगाता है और कपड़े और बर्तन जगह जगह गलियों में जाकर बेचता है। इससे पहले भी इसके ऊपर एक FIR दर्ज है पुलिस स्टेशन ख्याला में जो कि इससे ही मिलता जुलता एक पॉक्सो का मामला है।